जय जिनेंद्र, वेलकम टू सोनल्स फूड वर्ल्ड। ये तूर की दाल का पानी है, जो सीटी लेने के बाद ऊपर जो पानी रहता है ये वो पानी है। ये दाल को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और अब इसके अंदर मैं पेपर हाफ अ स्पून, हींग हाफ अ स्पून, जीरा हाफ अ स्पून और ये इमली है जिसे मैं पानी में भिगो के रखी हूँ उसका जूस ले लूँगी इस दाल के अंदर। ये देखिए जूस ले रही हूँ और इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार और इसमें राई, जीरा, मेथी और लाल मिर्च है तड़के के लिए। एक देख 1 टेबल स्पून तेल है जिस और ये राई सारा इसके अंदर डाल दी। अब इसके अंदर मैं हाफ अ स्पून हल्दी और हाफ अ स्पून लाल मिर्च थोड़ा कलर आने के लिए और ये तूर की दाल का पानी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर अभी। और ये रसम पाउडर है हाफ अ स्पून और इसे अच्छे से बॉईल आने के बाद ढक दे के बंद कर दूंगी। ये उड़द दाल है जिसे मैंने 40 मिनट के लिए भिगो के रखा था और धो के भिगो के रखा था और इसके अंदर मैं अभी लाल मिर्च डाल रही हूँ 3 और नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लूँगी और एक पैन में तेल में इसे मैं डीप फ्राई करूँगी। अच्छा सा डीप फ्राई करना है सिम में, एक मीडियम फ्लेम में करना है इसे। और देखिए ये अच्छा सा फ्राई हो गया है और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और एक साइड में ये 1 कप गरम पानी रखी हूँ जिसे मैं ये वड़ा को डाल के 5 मिनट के लिए इसके अंदर रख के निकालूंगी तो ताकि थोड़ा और भी अच्छा सॉफ्ट हो जाए। और देखिए ये निकाल रही हूँ एक बाउल में और इसके अंदर मैं अभी रसम डाल दूंगी और रसम डाल के इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए करी पत्ते डाल रही हूँ सूखा हुआ और ये तैयार है।